कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने इंकशाफ किया कि 2013 में जब वो सीढ़ी से गिरकर जख्मी हुए तो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम ने ऐसा टीका लगाया कि दर्द तो दूर हो गया लेकिन नर्सें हूरे नजर आने लगीं। वजीर आजम ने शिकवा किया कि डॉक्टर्स ने धमकी के बावजूद दोबारा इंजेक्शन नहीं लगाया। आज तक एक सिफारिश की थी मैंने, सिर्फ एक, इन दोनों ने वो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत थाना में पहुंच गया, बड़ी मुझे तकलीफ, मैंने कभी इतनी, क्योंकि मेरी पीठ पे हड्डियां टूट गई। डॉक्टर आसिम ने मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया, मुझे वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ, दुनिया बदल गई, वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरे नजर आनी शुरू हो गई। मैं सोचा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तकरीर भी कर दी मैंने कोई टीवी के ऊपर, वो मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहा। तो वो जब उसका इफेक्ट गया फिर मुझे तकलीफ शुरू हो गई। मैंने इससे इतना जोर लगाया कि मैं खुदा के वास्ते वो टीका फिर से लगा दो, लेकिन इसने, मैंने इसको थ्रेटन भी किया, मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, टीका लगाओ वापस, नहीं इसने टीका लगाया मुझे।